हम सबने सुना है कि आजकल बहुत थीमेटिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले 1-2 साल का आंकड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा थीमेटिक फंड्स में जा रहा है। तो ये थीमेटिक होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। तो इंडाइसेस में व्हाइल वी स्टडीड और व्हाइल वी सॉ इन आर प्रीवियस वीडियोज अबाउट ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस में व्हाइल वी स्टडीड और स्ट्रेटेजी बेस्ड इंडाइसेस, टूडेज वीडियो वी गोइंग टू कवर अबाउट समथिंग कॉल्ड एज थीमेटिक इंडाइसेस। थीमेटिक इंडाइसेस में जस्ट गिविंग यू अ सेंस, मान लीजिए मैं निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव को उठा लेता हूँ, एंड प्लस यहाँ पे मैं आपको इसकी फैक्ट शीट भी खोल के दिखाते हैं और प्लस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी खोल के दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक और इंडाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। थीमेटिक्स में मान लीजिए हम डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं, डिफेंस की भी फैक्ट शीट और डिफेंस के इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ये भी बात कर लेते हैं। तो थीमेटिक्स इज अ वेरी 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 अग्रेसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन टू द स्टॉक मार्केट। ओब्वियसली बेटर देन और लेस रिस्कियर देन डायरेक्ट स्टॉक्स, लेस रिवॉर्डफुल देन डायरेक्ट स्टॉक्स, बट कैन बी इक्वली रिवॉर्डिंग इफ यू गेट इट राइट एंड इट कैन बी इक्वली रिस्की इफ यू गेट इट रॉन्ग। तो ये मैं दो इंडाइसेस के बारे में बात करने वाला हूँ विच इज थीमेटिक इन नेचर। एक हमने करी न्यू एज ऑटोमोटिव ईवी, ये हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली 33 कंपनीज हैं, नेमली टू नेम फ्यू, ये इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स हैं, केमिकल्स है, तो दिस विल बी अ आईटी भी है। सो ये सारी ऐसी थीम्स हैं जो कि ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव को सपोर्ट करती हैं। ये कुछ 33 कंपनीज हैं। तो वन चॉइस ऑब्वियसली यू हैव कि आप हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी में इन्वेस्ट कर दो, एक एक्साइड इंडस्ट्रीज में कर दो, आप एक सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन में कर दो, ये सब अपनी ईवी थीम से सुनी भी है, या आप पूरा का पूरा इंडेक्सेस ले लो, द चॉइस इज गोना बी योर्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपके डिफेंस फंड की बात करूँ, डिफेंस में ये कुछ 16 कंपनीज हैं, आप भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में आप कर सकते हो, या पूरी की पूरी आप इंडाइसेस में कर सकते हो। तो हम चर्चा करते हैं दोनों हाउ दे आर फॉर्म। तो न्यू एज की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे ये वाला जो सेक्टर या जो इंडेक्स है ये कैसे करता है, ये एक्टिवली जो ये उन कंपनीज को चूज कर रहा है जो कि एक्टिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स में, सच एज हाइब्रिड व्हीकल्स में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स या ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल्स में। ये ऑल्सो ये वाला जो इंडाइसिस है ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल बैटरी कॉम्पोनेंट प्रोड्यूसर्स, कंपनीज प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स आर रेलिवेंट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट, उनमें भी इन्वेस्ट करता है या उनमें भी सेलेक्ट करता है, और कंपनी दैट बिल्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजीज। तो ये सारा का सारा बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाता है जो ये सारी सर्विसेज देती हों। तो इसका अगर हम देखें 1 साल का रिटर्न 58% है, 58%, 5 ईयर्स का रिटर्न है 37%, ईयर टिल डेट का रिटर्न है 37%। दिस इफ कंपेयर्ड विद निफ्टी 50, क्लियर अगर आप बेंचमार्किंग देखो निफ्टी 50 से तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस है। इसमें ऑब्वियसली वेटेज ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का सबसे ज़्यादा है विथ फ्यू अदर सेक्टर्स इन्वॉल्व। यहाँ पे आप देखोगे टॉप कंपोनेंट्स बाय वेटेज ये सारे कंपोनेंट्स हैं, टाटा मोटर्स, बजाज, मारुति, महिंद्रा, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, सोना बीएलडब्ल्यू, रिलायंस एंड संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। बीटा आप देखोगे लेस वॉलेटाइल है, कोरिलेशन निफ्टी से कम है, रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा है, ये इसके फंडामेंटल्स आप पी रेशियो, पी बाय प्राइस बाय बुक या डिविडेंड लिए देखोगे, ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये तो हो गया आपका न्यू एज व्हीकल का। डिफेंस का आप देखोगे यहाँ पे 1 साल का रिटर्न 115% है, 5 साल का रिटर्न 58% है। दिक्कत यहाँ आती है शॉर्ट टर्म में ऐसी वाली चीज़ें हैं, अगर इफ़ यू डोंट गेट योर टाइमिंग राइट देन निफ्टी 50 इज गिविंग यू 5% अपसाइड रिटर्न, दिस काइंड ऑफ इंडेक्स इज गिविंग यू, द थीमेटिक इंडेक्स इज गिविंग -5%, 10% का अंडर परफॉर्मेंस है। तो दे विल बी पॉकेट्स
वेन निफ्टी 50 यू विल फील अ सेफर बेट एंड देर विल बी टाइम्स वेर एक साल में 115% बन गया है वेर एज निफ्टी 50 में 31% बना है. तो दिस क्लियरली इसमें अब अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, ये वाली रिस्क फैक्टर है. देखो आप ये 20%, 18%, 15%, दिस ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 53-55%. थ्री स्टॉक्स विद इन दिस इंडेक्स, विच मीन अगर ये तीन स्टॉक्स नहीं चले तो आपका ऑलमोस्ट लॉस होना गारंटीड है. तो इसलिए थीमेटिक्स, जब हम थीमेटिक ETFs की बात करते हैं, थीमेटिक इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो वन नीड्स टू डू अ प्रॉपर एलोकेशन. मे बी अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये से ज़्यादा आपको ऐसे वाले थीमेटिक्स में नहीं डालने चाहिए. फॉर द सिंपल रीजन इज कि आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन वाला जो मकसद होता है वो इससे शायद पूरा ना हो पाए इन केस इफ द मार्केट्स गो द अदर साइड विच इज द साइड विच यू डू नॉट फील और विच यू डू नॉट एंटिसिपेट. और आपके रिसर्च के हिसाब से आपको लग रहा था ऐसे जाएगा और गया ऐसे, तो दीज काइंड ऑफ थीमेटिक ETFs और थीमेटिक इंडेक्सेस कैन बी रियली डेंजरस एट दैट टाइम. बट एज आई टोल्ड यू, रिवॉर्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. एक साल 115, एक साल 58 कंपेयर टू निफ्टी 50, 31%. बट रिस्क इज इन फ्रंट ऑफ यू, -5% एक क्वार्टर में, +5% एक क्वार्टर में. तो दीज साइकिल्स ऑफ अप्स एंड डाउन ये चलती रहेंगी और इसी को इक्विटी इन्वेस्टिंग कहते हैं, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं. तो यू नीड टू गेट दैट राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. तो दिस वॉज लिटिल बिट ऑन द थीमेटिक इंडेक्सेस. इन केस यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर द वीडियो, स्प्रेड दिस वर्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल बाय शेयरिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय द नेम ऑफ टैग इन्वेस्टमेंट्स. टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स, एंड जय हिंद. थैंक यू.